केजरीवाल को लेकर यह बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी इंसुलिन के मुद्दे पर लिखी गई है। दावा किया गया है कि इस चिट्ठी में केजरीवाल ने, जिसमें तिहाड़ जेल प्रशासन के दावों को झूठा बताया गया है, अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि वो जेल प्रशासन के सामने पिछले 10 दिन से इंसुलिन का मुद्दा उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपना शुगर लेवल हाई होने का भी बड़ा दावा किया है। तो केजरीवाल ने यहाँ पर जेल प्रशासन पर बहुत बड़ा दावा किया है, उनकी तरफ से इंसुलिन को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उनका शुगर लेवल भी बढ़ रहा है। तो इंसुलिन को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन और आम आदमी पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह दावा किया है कि शनिवार को एम्स के डॉक्टर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को परामर्श किया था, यानी कि कंसल्ट किया गया था, और डॉक्टर्स ने अरविंद केजरीवाल से बातचीत के बाद कहा कि कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल की ओर से जो चिट्ठी जेल प्रशासन को लिखी गई है, उसमें यह दावा किया गया है कि एम्स के डॉक्टर्स ने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहा है, कि चिंता की कोई बात नहीं है। तिहाड़ प्रशासन का यह कहना है कि एम्स के डॉक्टर से बातचीत में ना तो अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन का जिक्र किया और ना ही डॉक्टर्स ने केजरीवाल को इंसुलिन देने का कोई सुझाव दिया है। जबकि आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि एम्स के डॉक्टर्स ने कहा है कि वो सारा डेटा देखकर बताएंगे। तो देखिए, यहां पर दो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं, तिहाड़ प्रशासन की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं। इंसुलिन को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि उन्हें इंसुलिन दी नहीं जा रही, उनका ब्लड शुगर जो शुगर लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जब कंसल्टेशन हुई है तो उसमें यह सामने आया है कि जेल प्रशासन ये कह रहा है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन के मुद्दे पर दिल्ली में सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जेल में अरविंद केजरीवाल के ऊपर अत्याचार हो रहा है, केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें दवा दी नहीं जा रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली की तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है, इसलिए ऐसे आरोप निराधार है। कि वो स्वयं जो है दवा नहीं लेना चाहते होंगे, स्वयं आम खा रहे हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो वो स्वयं अपनी तबीयत बिगाड़ कर दिखाना चाहते हैं, सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि उन्होंने जिस ईमानदारी और जिस आंदोलन के कारण से दिल्ली की सत्ता पाई है वो सबके सामने आ गया है। उनके एक एक मंत्री, चाहे सत्येंद्र जैन हों, मनीष सिसोदिया हों या स्वयं जो है केजरीवाल हों, आज जेल में हैं और उनके ऊपर इतना बड़ा शराब कांड लगा हुआ है। और अब वो कोई भी बात कहेंगे तो देश की जनता उन पर मानने वाली नहीं है, दिल्ली की जनता मानने वाली नहीं है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते।